हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ सर और आप देख रहे हैं ब्रेन वेव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो सैलरी का जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉइज़ का, वो एमएस एक्सेल शीट में किस तरीके से भरा जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। और वो करने के लिए हम सिर्फ बेसिक दो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक शीट जो है उसे ओपन कर लेना है, एक फ्रेश शीट ओपन कर लेना है। और वो करने के बाद शुरुआत करेंगे हम सीरियल नंबर के साथ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, एरो की से आप बाजू वाले कॉलम में चले जाइए, वहाँ पे आप लिख लीजिए नेम ऑफ एन एम्प्लॉई। जितने भी एम्प्लॉई होंगे उसके जो नाम है वो ये वाले कॉलम में हम लिखेंगे। उसके बाद वाला जो कॉलम रहेगा उसके अंदर हम जो एम्प्लॉई का जो सैलरी है, दिन का जो सैलरी है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर उसका एक सैलरी फिक्स किया हुआ है पूरे मंथ का तो आप यहाँ पे डे सैलरी की जगह मंथली सैलरी भी लिख सकते हो। उसके बाद जो उसने जितने महीने में जितने दिन भरे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ और डे सैलरी का जो मल्टीप्लाई करके जो सैलरी बनेगी वो सैलरी ये कॉलम में हम लिखेंगे, जहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल सैलरी, यानी कि जो टोटल सैलरी उसकी होने वाली है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद अगर वो एम्प्लॉई ने अगर कोई एडवांस वगैरह लिया है तो वो एडवांस यहाँ पे लिखा जाएगा, और वो एडवांस को माइनस करने के बाद जो सैलरी बचेगी वो हम ये वाली कॉलम में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइटल। तो चलो सबसे पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच में जाएंगे, डबल एरो आएगा, डबल क्लिक करके उसको एडजस्ट कर लीजिए कॉलम के विड्थ को। यहाँ पर हर जगह पर हम ऐसा ही करेंगे, कॉलम के विड्थ को हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा टेबल जो है वो काफ़ी अच्छा दिखे। ये लास्ट वाला ओके। अभी हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, जो भी सीरियल नंबर रहेगा। जैसे कि आपके कंपनी में 5 एम्प्लॉई है, 10 एम्प्लॉई है, 15 एम्प्लॉई है, जितने एम्प्लॉई होते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ से मैं ड्रैग करूँगा ताकि मुझे वो टाइप ना करना पड़े। ड्रैग करने के बाद जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा तो वो कॉपी हो जाएगा, बाद में नीचे ऑटोफिल ऑप्शन में जाके मैं फिल सीरीज़ करूँगा। अब यहाँ पे जो नेम ऑफ एन एम्प्लॉई है वहाँ पे मैं मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके मैं नाम जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। वो एम्प्लॉयज़ का नाम लिखने के बाद जो उनके दिन की जो सैलरी होती है, जो सैलरी फिक्स की गई है, वो यहाँ पे मैं उनके नाम के आगे लिख लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है राजू चौहान के 225, संतोष मिश्रा के 210। तो वैसे जिसकी जितनी पर डे सैलरी जो डिसाइड की गई है वो उनके नाम के आगे मैं लिख लूँगा सबकी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अभी मैं रैंडम कोई भी नंबर ले रहा हूँ। पर डे जो सैलरी है वो लिखने के बाद वो जो एम्प्लॉई जो है उन्होंने कितने दिन महीने में हाजिरी भरी है, वो जो दिन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि राजू चौहान 26, संतोष मिश्रा 24, यानी कि पूरे महीने में वो कितने दिन जो है वो काम पर आया था, तो उस हिसाब से वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। वो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ डेज़ जो यहाँ पे थे। अब वो टोटल सैलरी हमें काउंट करनी है, लेकिन उससे पहले ये जो फॉर्मेट है पूरा टेबल जो है उसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर से लेके पूरा जो टेबल है उसे सिलेक्ट करना है, फिर उसे आप सेंटर कर लीजिए सेल अलाइनमेंट। उसके बाद आप क्या करिए, उसको बॉर्डर दे दीजिए, ऑल बॉर्डर्स में जाके आप ऑल बॉर्डर्स दे दीजिए ताकि वो टेबल जो है वो अच्छा दिखे। उसके बाद आप फॉन्ट स्टाइल जो है, मैं तो ज़्यादातर टाइम्स न्यू रोमन ही रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी में जो आए वो रख सकते हो। अब यहाँ पे हमें टोटल सैलरी जो है वो फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये दो जो सेल्स है उसे हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू, और वो जो सेल है जैसे कि D3, ये जो सेल है उसे हम मैं अभी कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर से कीबोर्ड का इस्तेमाल करके एरो की से सिलेक्ट करके मैं एंटर कर दूँगा। तो जैसे एंटर करूँगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाएगा और यहाँ पर दिखा देगा। मल्टीप्लाई का एक और तरीका है, एक और फार्मूला है, हम दूसरे तरीके से भी ट्राई करके देखते हैं। इज इक्वल टू, उसके बाद आप टाइप कर लीजिए प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, फिर आप कर दीजिए जो ब्रैकेट होता है उसे ओपन कर लीजिए, और जो भी सेल है जैसे कि ये C3 जो है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कॉमा डाल दीजिए, कॉमा डालने के बाद जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि उसके बाजू वाला, यानी कि D3, तो D3 आप यहाँ पे टाइप करिए या फिर सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीप्लाई जो है वो दो सेल का यहाँ पे हो गया है।
ठीक है। उसका आप चाहो तो तीसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे माउस की जगह पे कीबोर्ड से सिलेक्ट किया था। अब मैं आपको माउस से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ उस सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आप इज इक्वल टू कर लीजिए और बाद में वो जो सेल है वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का सिम्बॉल टाइप करिए और बाद में दोबारा वो जो दूसरे सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे कर्सर ले जाइए और वहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लीजिए और तुरंत ही एंटर कर दीजिए। तो जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो जो मल्टीप्लाई है वो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बाकी सबका मल्टीप्लाई करने के लिए फार्मूला को रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को ड्रैग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ड्रैग कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पे जो एडवांस वाला जो कॉलम है वहाँ पे वो जो एम्प्लॉई ने जितना भी एडवांस लिया है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आएगा। मैं कोई भी नंबर अभी जो है वो टाइप कर रहा हूँ रैंडम, कि उन्होंने सपोज़ मान लीजिए कि किसी ने 2000 या किसी ने 1500 या किसी ने 1000 ऐसे करके एडवांस लिया है, तो वो पूरा एडवांस का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये वाले कॉलम में मैं टाइप कर लूँगा। एडवांस वाला जो कॉलम है उसे भर लेने के बाद हम रिमेनिंग सैलरी ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल सैलरी में से एडवांस माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए इज इक्वल टू लिखिए आप, उसके बाद वो सेल को सेलेक्ट करिए टोटल सैलरी वाले सेल को और माइनस का सिंबल टाइप करके एडवांस का जो सेल है 2000 वाला उसे सेलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप एंटर करोगे तो वो माइनस करके हम आंसर जो है वो हमें दे देगा। उसका एक और तरीका है माइनस करने का, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू टाइप करिए और बाद में कीबोर्ड के जो एरो की है उसका इस्तेमाल करिए। तो एरो की से आप लेफ़्ट की ओर जब जाएंगे तो वो पहला सेल सिलेक्ट होगा, फिर दूसरा और बीच में माइनस डाल के एंटर कर दीजिए, ठीक है, तब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। एक और तीसरा तरीका है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो उसके लिए आप इज इक्वल टू करिए, आप टाइप कर सकते हो सेल के एड्रेस को, जैसे कि ये E3 जो है यानी कि टोटल सैलरी वाला सेल E3, तो वो टाइप करिए कीबोर्ड से E3 और बाद में माइनस का सिंबल टाइप करिए कीबोर्ड से और बाद में उसके बाजू वाला सेल यानी कि F3, तो वो टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो माइनस करके आंसर हमें दे देगा। और उसके बाद वही पूरा फार्मूला कॉपी करने के लिए आप प्लस से ड्रैग करोगे तो वो तुरंत ही सारा फार्मूला जो है वो कॉपी करके हमें दे देगा। तो यहाँ हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार, थैंक यू।